गुलनास, गुलनास प्लीज तुम मुझे अपना फोन दो, मुझे एक कॉल करनी। वो तो अंदर रखा ही है। जितनी सी बात करें प्लीज एक दफा कॉल करवा दो प्लीज। मेरा मोबाइल बीबी जान के पास होता है, अच्छी तरह जानती हैं आप। प्लीज तुम जाकर ला दो, मैं इसके बदले तुम्हें पैसे भी दूंगी। बस बस प्लीज एक एक कॉल कर। बीबी जान को सब पता चल जाता है, उनके पास जिन्न है। कोई जिन्न नहीं है, झूठ बोलती है वो, झूठी मक्कार औरत। तौबा 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 अस्तगफार, बीबी जान आप मुझे क्यों गुनाहगार कर रही हैं? देखो गुनाह, अगर उसके पास जिन्न होती तुम्हें क्यों बुलाती? वो एक बुजदिल कमजोर और डरपोक औरत। बीबी साहबा मुझे गुनाहगार ना करें। तुम ये रख लो, इसके बदले तुम 5 फोन खरीद सकते हो, सिर्फ एक। अपना जेवर जाया क्यों कर रही हो? ये लो मेरा फोन लो, एक नहीं 10 कॉल्स कर, लेकिन कोई फायदा नहीं है। उसे चांदी के जगह सोने की चिड़िया मिल रही है, अपना नुकसान थोड़ी करेगा। और जो बात तुमने करनी है ना वो मैं कर चुका हूं। खुदा की कसम मिन्नतें की हैं उसकी कि तुम्हें लेकर भाग जाए, मैं भी खामोशी से तलाक देकर तुम्हें निकाल दूंगा दरवाजे से। फिर जहां जाओ रहो, लेकिन साफ इनकार कर दिया उसने, कहने लगा अब वो मेरे काबिल नहीं रही, झूठा खाने की आदत नहीं। हालांकि सारी जिंदगी झूठा ही खाता रहा वो, मेहमानों का बचा हुआ। जरगे से पहले मुझे बहाने से होटल बुलवा लिया और खुद बीबी जान के पांव पकड़ लिया, कहने लगा मुझे मेरी बूढ़ी मां की कसम झूठ बोलूं तो उसका दीदार नसीब ना हो, और ये जमीन जमीन तो खुद बीच में कूद पड़ी। और बीबी जान जमीन तो 2 टके की लड़की है, माफी चाहता हूं आपकी बहू है, लेकिन वो तो जबरदस्ती मुझसे लिपटने की कोशिश करती थी, मेरे गले पड़ती थी। मैंने तो जब से देखा था शीरिन को पसंद किया था, लेकिन कि बहू थी इसलिए अपने दिल और अपनी नजर को काबू में रखा। लेकिन अब आपकी बहू बनने के काबिल नहीं रही तो हाथ जोड़ने की हिम्मत कर। बीबी जान वो जिसके साथ भागी थी, जहां गई, जो किया, मैं सब माफ करने को तैयार हूं। मैं उसे इतनी मोहब्बत करता हूं कि उसकी हर खता को माफ कर दूंगा, उसे प्यार दूंगा, इज्जत दूंगा, मोहब्बत दूंगा, बस शीरी को दफनाने के बजाय मेरी झोली में डाल दे। बीबी जान आपको खुदा का वास्ता, फारूक भाई की जवानी का वास्ता, पता नहीं क्या क्या वास्ते नहीं दिए उसने। कहता आपका मुलाजिम हूं ना, अब से गुलाम बन के रहूंगा। सच कहूं मुझे यह सब पता लगा तो आग लग गई मेरे अंदर, दिल क्या उसकी गर्दन दबा दूं। बीबी जान ने हाथ पकड़ के रोक दिया मुझे, कहने लगी कचरे को हमेशा कचरे दान में ही फेंकते हैं। मैं बहुत अच्छे से जानती हूं तुम्हें भी, बीबी जान को भी और हारून को भी। वैसे बीबी जान ने एक बात ठीक कही थी, कचरे को कचरेदान में फेंकना चाहिए, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम भाग जाओ उसके साथ, मैं हर तरह से तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूं। वो क्यों भागेगा मेरे साथ, उसको तो सोना मिल गया है ना। वो मेरा काम है, मैं उसे बांध के तुम्हारे साथ छोड़कर आऊंगा, फिर वापसी का कोई रास्ता नहीं बचेगा उसके पास। तो कुत्ता अपनी चूसी हुई हड्डियां मेरे सामने फेंक कर
मेरे हिस्से का गोश्त खाने के चक्कर में। हमारे हिस्से में कुछ नहीं बचा मलिक फारूक। शीरीन के वजूद पर फरहाद की मोहर लग चुकी है। वो किसी की नहीं हो सकती, ना तुम्हारी ना हारून की। हारून का क्या है, उसे तो बची हुई हड्डियां नोचने की आदत है। 15 साल होटल में किया क्या उसने? मसला तुम्हारा है। इस कैदखाने से निकलने का आखिरी चांस है तुम्हारे पास। यहां रहोगी तो तुम सारी जिंदगी मुझे हिसाब देती रहोगी। अगर उसके साथ जाओगे तो तुम उससे हिसाब लेती रहोगी। अपनी मोहब्बत की नाकदरी का। Ha ha ha.